नमस्कार ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। राजधानी रायपुर में अब अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी के बदले गोबर के कंडे का उपयोग किया जाएगा ताकि राजधानी में वृक्षों को जीवन दान मिल सके। देखा जा रहा है कि अंतिम संस्कार करने के नाम पर वृक्षों की कटाई की जा रही है, इसी वजह से अब नगर निगम के MIC में महापौर प्रमोद दुबे ने प्रस्ताव पारित किया है कि राजधानी के शमशान घाट में शहर के गोबर के कंडे बनाकर अंतिम संस्कार की जाएगी। नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे ने बताया कि शव का अंतिम संस्कार करने के लिए वृक्षों को काटा जाता है और इससे पर्यावरण का नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए अब राजधानी के शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए गोबर के कंडे का उपयोग किया जाएगा। इससे वृक्षों की अवैध कटाई पर रोक लगेगा, साथ ही लकड़ी से अंतिम संस्कार किए जाने पर प्रदूषण नहीं होगा। आज मेयर इन काउंसिल की बैठक रखी गई है। इसमें नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे ने 30 एजेंडा पर चर्चा किया। इसमें अंतिम संस्कार करने को लेकर विशेष रूप से प्रस्ताव पारित की है। बताया गया कि कुटीर उद्योग को इससे रोजगार का अवसर मिलेगा। 29 या 30 एजेंडों पर लगभग चर्चा हुई है। जैसे प्रमुख जो एजेंडा रहे उसमें जो वर्तमान में जितने शमशान घाट हैं वहाँ लकड़ियों से शवदाह किए जाते हैं, उसमें हमने एक प्रस्ताव लाया है जिसमें हमारे जो गोकुल नगर हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में गोबर होते हैं उससे महिलाओं को रोजगार देने के विषय में हमने एक कदम उठाया है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। जहाँ गोबर की लकड़ी बनाकर अंतिम संस्कार किए जाने का निर्णय लिया है, शहर के सौदागृहों में अब गोबर से बनाई गई लकड़ियों से अंतिम संस्कार हो, इसका प्रस्ताव हमने पारित किया है। बैठक में कुल 30 एजेंडा पर चर्चा हुआ। इसमें नगर निगम की पुरानी दुकान को टेंडर कर किराए पर देने की बात की है। वहीं नगर निगम की भैंस स्थान में खाली जमीन है, वहां मल्टी स्टाइल पर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इससे नगर निगम को काफी फायदा होगा। अभी तक खाली प्लॉट पड़े होने से नगर निगम को यहाँ किसी प्रकार से फायदा नहीं हो रहा है। कॉम्प्लेक्स या दुकान बनाकर यहाँ किराए से देने पर निगम की आमदनी होगी। महापौर प्रमोद दुबे ने यह भी बताया कि नगर निगम पीछे बैंक वालों को किराए से दुकान दिया जा रहा है, इससे भी निगम को राजस्व का फायदा होगा। इसके अलावा भैंसथान में जो हमारी लगभग 2 एकड़ जमीन है उस पर एक डिसीजन हुआ था जिसमें आर्बिट्रेशन में ये निर्णय हुआ कि 36 करोड़ में से 20 करोड़ नगर निगम अपने पास रखेगा और 16 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उसको वापस करेगा। तो 20 करोड़ की राशि हमारे पास वर्तमान में जो है, उसके बाद वहाँ नया एक प्रस्ताव ला करके MIC में कि क्या तय किया जाना है, वहाँ किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाना है या किस प्रकार के जो माननीय परिषद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा राय ली जाएगी, इससे हमारे नगर निगम की आय में काफ़ी वृद्धि होगी। वहाँ मल्टीप्लेक्स बनाने से या मल्टीपल जो बाज़ार बनाने से क्या बेहतर होगा, लोगों की राय लेकर वहाँ हम प्रस्ताव करेंगे। For more information, log on to www.clips.in.